आज के मशीनी युग में मनुष्य खुद को एक ऐसा मशीन बनाए बैठा है जिससे दिन रात काम लेने के सिवा ना तो इसके लुब्रिकेशन की और ना मेंटेनेंस की ही सुध रख पाता है। इतना ही नहीं, अगर यह शरीर रूपी मशीन बिगड़कर थोड़ी देर के लिए पथ से विचलित भी हो जाता है तो हम उसे गलत मैकेनिक एवं निम्न श्रेणी के ल्यूब्रिकेंट से और भी बिगाड़ देते हैं। मानव शरीर प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है और यह शरीर प्रकृति के संरक्षण में ही सही रह सकता है। एक ऐसी चिकित्सा पद्धति जो मानव शरीर को प्रकृति से जोड़ती है, मानव शरीर को सुरक्षित रखती है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी। यह प्रकृति हानि रहित अद्भुत चिकित्सा पद्धति है। यह विश्व की पांचवी चिकित्सा पद्धति के रूप में उभर कर आई है। इस पद्धति का आविष्कार इटली के डॉक्टर काउंट सीजर मेटी के द्वारा 1865 ईस्वी में किया गया था। यह पैथी 1895 में डॉक्टर फादर मुलर के द्वारा दक्षिण भारत में लाई गई। तब से धीरे धीरे चिकित्सकों के द्वारा पूरे भारत में फैल रही है। ऐसे एक चिकित्सक है डॉक्टर जे मंडल। इन्होंने इस इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का गहन अध्ययन किया और ऐसे ऐसे रोग और मानव को होने वाले शारीरिक तकलीफों पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के माध्यम से सफलता पाई। भारत की सबसे जटिल समस्या है जनसंख्या। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के माध्यम से डॉक्टर जे मंडल ने फैमिली प्लानिंग का बिना शरीर को हानि पहुंचाए सफल अध्ययन किया और अद्भुत सफलता पाई। यही नहीं, जिस दंपति ने पुत्र फल की कामना की, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की पद्धति से डॉक्टर जे मंडल ने उनका इलाज किया और उनकी इच्छाओं की पूर्ति हुई। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की पद्धति में डॉक्टर जे मंडल सर को सबसे बड़ी सफलता वैसे दंपति पे मिली जिन्हें विवाहित जीवन के बहुत सालों के बाद भी संतान नहीं हो पाई थी। उनके इलाज के बाद आज उन्हें संतान है। डॉक्टर जे मंडल ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति से बहुत सारे जटिल रोगों पर विजय पाई है, जैसे थायराइड, टॉन्सिल, जटिल चर्म रोग इत्यादि। आइए मिलते हैं डॉक्टर जे मंडल। मेरा नाम डॉक्टर जे मंडल है। मैं भागलपुर नाथनगर प्रखंड के हरदासपुर ग्राम का रहने वाला हूँ। मुझे बचपन से मेडिकल साइंस में बहुत इंटरेस्ट था और संयोग से जब मैं VNH मेडिकल कॉलेज भागलपुर में एडमिशन लिया तो उसके पहले 2 साल से GRDSS से मैं बहुत परेशान था। मेरा स्वास्थ्य इतना गिर गया था, लगता था कि शरीर गला जा रहा है। मैंने कई डॉक्टरों से जो है सलाह लिया, स्टूल टेस्ट करा करके उसके बाद जो है डॉक्टर GRDSS घोषित किए और वो GRDSS के लिए मेट्रोनिडाजोल ग्रुप की मेडिसिन जो है हमको खिलाते थे।
वो खा खा करके मैं राहत तो पा लेता था, लेकिन परमानेंट जो है कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा था। मैं VNH मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर NP सिंह से यही बात बताई और कहा कि सर अगर हम ये स्वास्थ्य जो है अपना ठीक नहीं कर पाएंगे तो फिर क्लास कैसे कर पाएंगे। और उसी दिन वो हमको एक सप्ताह की दवा दिए और उस दवा से आज तक डायलिसिस जो गया आज तक जो है फिर कभी लौट के नहीं आया। और उसी दिन हमको इस इलेक्ट्रो होम्योपैथिक साइंस से जो है इतना लगाव हो गया और इतनी जिज्ञासा बढ़ गई कि कुछ कर दिखाने की जो है ललक आ गई मेरे ऊपर। और जैसे ही हम अपना मेडिकल एजुकेशन समाप्त करके बोकारो में 1982 से जो है अपना मेडिकल प्रैक्टिस शुरू किया तो हमें हमेशा लगता था कि कुछ ना कुछ नई चीज़ जो है करें, कुछ नई चीज़ जो है निकालें जो लोगों को कुछ ना कुछ जो है बहुत बड़ी राहत जो है दे। और इसी दरमियान हमको फैमिली प्लानिंग के ऊपर ध्यान आया। कुछ बच्चे कुछ परिवार एक लड़का के लिए तरसता था, उसके लिए जो है हमको ध्यान आया। बहुत सारा केस ऐसा है जो कि लोग इलाज कराते कराते थक जाते थे लेकिन उसको त्राण नहीं मिलता था, फिर से रिपीट होता था। इसी तरह का जो है चाहे वो अल्सरेशन हो, पथरी हो, जियालिसिस हो या BP हो, थायराइड हो, तरह तरह की बीमारियां जो कि डॉक्टर बोलते थे कि जीवन भर जो है आपको दवाई खाना है। पेशेंट यही आकर के बोलता था कि हमको तो ये दवा जो है जीवन भर जो है लेने के लिए बोला जा रहा है। तो यही सब चीज़ जो है देखते देखते मुझे जो है कुछ करने की जो है बात आ गई और हमने कुछ करना शुरू किया। और यही करते करते तभी से हमको कुछ न कुछ जो है राह मिली। जब बर्थ कंट्रोल पर जो है हम अपना रिसर्च जो है शुरू किया तो कुछ लोगों के ऊपर अपना मेडिसिन जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथ की इम्प्लीमेंट करके देखा, कुछ जो है इसमें नए कम्बिनेशन जो है लाए, बहुत सारा प्लांट्स जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथ में ऐड किया गया था। मैंने भी सोचा कि हो सकता है कुछ और प्लांट भी जो है इसमें ऐड करने के बाद भी अगर सफलता मिले तो उसमें ऐड करूं। और यही कारण था कि हम अपने गार्डन में जो है बहुत सारा प्लांट्स लगाए, कुछ जो प्लांट अवेलेबल नहीं रहता था वो ड्राई हर्ब्स जो है मंगाया, उसके बाद जो है हमने काम शुरू किया। '93 में इनको फैमिली प्लानिंग की मेडिसिन जो खिलाए और खिलाने के बाद इनको जब जो परहेज करना था 45 डेज का वो परहेज जो है कराया और उस परहेज को करने के बाद जो है वो सक्सेसफुली परमानेंट बर्थ कंट्रोल हो गया। अब बात रही कि ये आखिर कब तक जो है फिर कंट्रोल रहता है और ये इसका फिजियोलॉजी क्या है, आखिर किस तरह से कंट्रोल करता है, ये चीज़ जो है हमको बार बार जो है कहता था कि नहीं इसका कुछ ना कुछ जो है लेबोरेटरी टेस्ट होना चाहिए। और इसी को लेकर के हमने डॉक्टर KK दास जो कोऑपरेटिव कॉलोनी में बोकारो में हैं उनके लैब में ओवुलेशन टेस्ट इनका कराना शुरू किया और वो 1997 में कराया, 4 साल के बाद कि आखिर इनका ओवुलेशन जो है किस तरह से हो रहा है उसका टेस्ट कराया। उस ओवुलेशन में जब पता चला कि जो भी FSH जो है हार्मोन ओभम को इमैच्योर कंडीशन में जो है सर्ज करता है, इमैच्योर कंडीशन में जो है वो बाहर करता है तो वो कंसीव करने में अक्षम रहता है। और यही चीज़ जो है हमको उस रिपोर्ट से मिला कि ओभम इमैच्योर आ रहा है, तब से हम बहुत खुश हुए। डॉक्टर भट्टाचार्य जो कि जिनके अंडर में ये टेस्ट हो रहा था वो जो हमारा उसी समय पीठ थपथपा दिए कि डॉक्टर साहब ये बहुत बड़ा अचीवमेंट जो है आप पाए और ये आपका केस सक्सेस हुआ। और तब से मैंने बहुत सारे केसेस पर इस तरह का टेस्ट किया और लोगों को देना शुरू किया और सेम केस में जो कि सही सही 45 डेज का परहेज करके इसका यूज किए उसमें 100% सक्सेस रहा। जो लोग जाने अनजाने में परहेज से दूर रहे वैसे केसेस जो हैं सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन वो ओवुलेशन जो है यह बता दिया कि हाँ अगर ये सही में इतना दिन का परहेज किया जाता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो FSH सीक्रेट करता है वो ओभम को मैच्योर नहीं होने देता है,
वो वीक कर देता है। तो इससे यह साबित हो गया कि हाँ सही में यह मेडिसिन जो है कारगर है, और अभी इस पर भी जो है हम लगे हुए हैं कि अगर ये उस तरह से वीक करके परहेज बिना परहेज किए जो है ये कंट्रोल कर सकता है कि नहीं, अभी उस तरह से जो है मेडिसिन हम निकालने के लिए तत्पर हैं काम।